अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तां ॾिसो पिया अफ़्तार विद फैसल। तमाम बेहतरीन प्रोग्राम रमज़ान जे हिसाब सां तमामु सुठी रेसिपीज़ तव्हांजी फरमाइशूं पूरी कंदा अचूं पिया। ऐं अॼु बि मज़ेदार रेसिपी ठाहियूं पिया। अॼु छा ठहे पियो? फ्राइड चिकन, ब्रोस्ट टाइप जी फ्राइड चिकन ठहे पई, तमामु बहितरीन। ऐं पूरी हिकु मुर्गी जो तव्हां उहो ठाहींदो या अधु किलो जी बि ठाही सघो था। सॼो प्रोसेस ॿुधाईंदुमि कीअं ठहंदो आहे, कीअं सॉसिस लॻंदा आहिनि, कंहिं तरीक़े सां हुनजी कोटिंग थींदी आहे, जेको क्रिस्पी कोटिंग थींदी आहे। त क्रिस्पी फ्राइड चिकन ठाहियूं पिया, हुनजा गॾु सॉस बि ठहंदा, जेके हुन सां गॾु डिप सॉसिस हूंदा आहिनि। फ्राइज कीअं ठाहींदा आहिनि, आलू जा चिप्स जेके हूंदा आहिनि, अक्सर माण्हुनि जा नरम थी वेंदा आहिनि, उहो बि सॼो प्रोसेस तव्हांखे ॿुधाईंदुमि। ऐं इहे खाधा ठाहियूं पिया असां तलो कुकिंग ऑयल सां गॾु। तलो कुकिंग ऑयल वाइटमिन ए ऐं डी खां भरपूर आहे, लो कोलेस्ट्रॉल आहे, कोलेस्ट्रॉल खां पाक आहे, ऐं तमामु बहितरीन कुकिंग ऑयल आहे, मार्केट में अवेलेबल आहे। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सिहतमंद बनाओ। तलो में कुकिंग ऑयल पाउच में भी मिले पियो ऐं हीअं टिन पैक में बि मिले पियो, ठीकु आहे। हे थैलियूं आहिनि, हिन में दॿे में हिकु हिकु लीटर वारियूं पंज थैलियूं मिली वेंदियूं। ऐं बनस्पति घी तमामु बहितरीन आहे तलो जो, इहो तव्हां वठो। ऐं पराठा जॾहिं ठाहियूं था, मिठा ठाहियूं था, हाणे ईद बि अचे पई, असांखे मिठा ठाहिण जी ज़रूरत पवंदी, बनस्पति घी जी तलो जो तव्हां इस्तेमालु कंदो। तमामु बहितरीन कुकिंग ऑयल आहे, मार्केट में अवेलेबल आहे, मुनासिब क़ीमत में दस्तियाब आहे। मशरूब मशरक़ रूह अफ़ज़ा तमामु बहितरीन शरबत आहे, हमदर्द जो कुदरती अर्कियात ऐं फूलनि फलनि खां तयारु थियल आहे, फ्रूट्स खां तयारु थियल आहे। हिन में तमामु सुठो ई फ्लेवर आहे ऐं ग़िज़ायत खां भरपूर आहे। ऐं हिन में पाणी जो हिकिड़ो फुड़ो बि नथो हुजे, तमामु बहितरीन तरीक़े सां ई तयारु थींदो आहे। हिन में हिकु बोतल मां तव्हां 40 गिलास ठाहींदो ऐं हिकु गिलास में तव्हां 4 खण जा चमचा विझंदो। खीर में बि ठाही सघो था, काफ़ी क़िस्म जी रेसिपीज़ में असां हिनखे इस्तेमालु करे सघूं था। टैंग आहे, टैंग 4 क़िस्म जा फ्लेवर मार्केट में अवेलेबल आहिनि, जंहिंमें आहे पाइनएप्पल, कीनू, मौसमी ऐं मैंगो यानी अंब। 4 क़िस्म जा हिन जा ज़ाइका मार्केट में अवेलेबल आहिनि। थैली जेका तव्हां पाउच ॾिसो पिया, इहो आहे 3 जग जे 3 लीटर जो आहे, यानी 3 जग, हिन में 12 खां 14 गिलास रहंदा। हिकु गिलास में इहो बि 4 खण जा चमचा तव्हां विझी सघो था। पाकोला फुल क्रीम मिल्क तमामु बहितरीन खीर आहे, 1 लीटर पैक में दस्तियाब आहे। हिन जा फ्लेवर मिल्क आहिनि, खीर ज़ाइके वारा, फ्लेवर वारा, जंहिंमें स्ट्रॉबेरी आहे, चॉकलेट आहे, पिस्ता आहे, ऐं ॿिया बि फ्लेवर्स आहिनि। ॿारनि खे ॾियो, तमामु शौक़ सां पीअंदा, जेके ॿार खीर नथा पीअनि। उनजे अलावा असां वटि आहे मलका फूड, मलका फूड जी वसी रेंज आहे, सीख कबाब, चिकन टिक्का कबाब, ठीक आहे, चिकन टिक्का बोटी आहे। उनजे अलावा हिन में चाट मसालो आहे, रमज़ान में असां इस्तेमालु कंदा आहियूं, बिरयानी, कोरमो, पुलाव, अचार गोश, निहारी, आलू गोश वग़ैरह सभु हिन में अवेलेबल आहे। ऐं जेके मसाला पीठल ॻाढ़ा में छइड वग़ैरह, धाणा पीठल, गरम मसालो पाउडर असां इस्तेमालु कंदा आहियूं, उहो बि मलका फूड जो तमामु बहितरीन मिली थो वञे। पैकिंग में हिमालियन पिंक सॉल्ट यानी गुलाबी कलर जो लूणु आहे हिमालियन, इहो वठी सघो था। सयुनि जो पैकेट आहे, ईद अचे पई, सयुनि जी ज़रूरत पवंदी। हुनजे अलावा फ्राइड ऑनियन यानी ॻाढ़ो बसर तव्हांजे साम्हूं मां इस्तेमालु कंदो आहियां, त इनखे कोरमे में, बिरयानी में, काफ़ी शयुनि में तव्हां इस्तेमालु करे सघो था। अधु किलो जो पैकेट आहे। एनएक्स आहे असां सां गॾु, एनएक्स में आहे जूसर, ब्लैंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन वग़ैरह सभु अवेलेबल आहे। तलो कुकिंग ऑयल वाइटमिन ए और डी से भरपूर है, लो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है, बिल्कुल बेहतरीन ग़िज़ायत से भरपूर कुकिंग ऑयल। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। कुकिंग ऑयल के पाउचेस भी मिल रहे हैं मार्केट में, कुकिंग ऑयल का टिन पैक भी मिलता है और बॉटल्स भी मिलती हैं, ठीक है। बनस्पति घी जब पराठे हम बनाते हैं, मीठे बनाते हैं, अब ईद भी आ रही है, अब मीठे भी स्टार्ट होंगे, और सहरी में हम पराठे बनाते हैं, बनस्पति घी तलो का बेहतरीन है, आप मार्केट से ले सकती हैं। मशरूब मशरक़ रूह अफ़ज़ा हमदर्द की शरबत है, बेहतरीन ग़िज़ायत से भरपूर, ज़बरदस्त फूलों और फलों से तैयार किया हुआ। जब दस्तरखान पे ये हो तो बड़ा सुकून सा मिलता है, जब हम इफ्तारी के टाइम शरबत बनाते हैं। इसको आप डिफरेंट वे में बना सकते हैं, एक बॉटल से 40 गिलास और एक गिलास से, एक गिलास में आप 4 खाने के चम्मच आप डालेंगे रूह अफ़ज़ा, ठीक है। टैंग है हमारे पास, टैंग के 4 फ्लेवर हैं, पाइनएप्पल, मैंगो, कीनू और मौसम्बी, मार्केट में अवेलेबल हैं। एक पाउच से आप 12 ग्लास बनाएंगी और एक पाउच से आपके 3 जग बनते हैं, और उसके अलावा एक जग में आप, एक गिलास में आप 4 खाने के चम्मच मिलाएंगी, ठीक है। पाकोला फुल क्रीम मिल्क, प्योर नेचुरल मिल्क 1 लीटर का, ये मार्केट में अवेलेबल है। पाकोला के फ्लेवर मिल्क हैं, बड़े शौक से बच्चे पियेंगे, स्कूल बच्चे जाते हैं तो आप ये फ्लेवर्स दें उनको जूस की जगह। स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, पिस्ता है। मलका फूड की वसी रेंज है, मलका फूड में ब्राउन अनियन है, चाट मसाला रमज़ान में हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा टिक्का बोटी मसाला, अचार गोश मसाला, सीख कबाब है, बारबेक्यू है, और काफ़ी मसाले हैं, पिसे हुए मसाले आप इसमें ले सकते हैं। हिमालयन पिंक सॉल्ट है, फ्राइड ऑनियन है, सवैयाँ हैं, एनएक्स है हमारे साथ, एनएक्स में है जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव वगैरह सब आप ले सकती हैं। आज हम बना रहे हैं फ्राइड चिकन।
फ्राइड चिकन लाइक ब्रोस्ट की तरह होगी, ठीक है। फ्राइड चिकन बना रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। और इसका सारा प्रोसेस मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अक्सर चिकन अंदर से कच्ची रह जाती है, पिंक रह जाती है, वाइटनेस नहीं आती बिल्कुल, जैसे हम आउटलेट से जाके खाते हैं। तो इसके लिए हमने 1 से 1.5 किलो जितनी चिकन लेनी है। आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेग पीस ही यूज़ करें, आप मिक्स भी लेंगी, आप सिर्फ ड्रमस्टिक भी ले सकती हैं, आप सिर्फ सीने के पीस भी ले सकती हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो 1.25 किलो से 1.5 किलो जितनी चिकन थी नॉर्मल कटिंग में। अब पीस बहुत बड़े होंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो पीस छोटे बनवाया करें तो अच्छे बनते हैं। अभी आप देखेंगे पानी में डिप करके 2 घंटे कम अज़ कम या 4 घंटे आपने छोड़ना है। पानी में हमने क्या डाला है, लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये 6 गिलास पानी था, 1.5 जग जितना पानी, इतना हो कि चिकन आपकी डिप हो जाए, बड़े प्याले में लेना है, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और नमक 1 से 1.5 चाय का चम्मच, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर सिरका डालेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच और उसके बाद आपने चिकन को इसमें डिप कर देना, चाहे आप टिक्के बना रही हैं चाहे आप ब्रोस बना रही हैं। ये डिप करने से क्या होता है, इसके अंदर जो हड्डियों में ब्लड रह जाता है वो ख़त्म हो जाता है, चिकन में जायका आ जाता है और चिकन अंदर से जल्दी गल भी जाती है और जो अंदर ब्लड वगैरह होता है वो सब ख़त्म हो जाता है। लेग पीस को इस तरह ड्रम स्टिक्स हैं तो इस तरह कट लगवा दें, खुद भी लगा सकती हैं, सीने के पीस हैं या ये विंग्स के पीस हैं, इस तरह ब्रोस्ट कटिंग करा लें या छोटे करा लें, ठीक है। ये ब्रोस्ट कटिंग भी कराई सको था, नंढा पीसेस भी कराई सको था, ऐं कट ज़रूर लग रहा है जो सीने जे पीस थे, लेग पीस थे, कट ज़रूर लग रहा है जो। पानी एतिरो खणणो ही आहे, 1.25 किलो का 1.5 किलो जितनी मुर्गी आहे, ठीक है। इनमें पानी खणंदो 5 खां 6 गिलास ताकि मुर्गी एतिरो पानी हुजे जिते मुर्गी तव्हांजी जे अंदर हली वञे, डिप थी वञे सॼी। पानी में डिप करण जो मकसद छा आहे कि मुर्गी तव्हांजी सुठी ठहंदी, अंदर कची न रहंदी, गोश वाइट थी वेंदो ऐं जेको अंदर रत रहिजी वेंदो सभु ख़तमु थी वेंदो आहे। त इनमें पाणी में असां विझंदासीं 2 सावा मिर्च पीसे 3 खां 4 अदद, पेस्ट करे 1 चांहि जो चमचो, 1 खाइण जो चमचो, अदरक ऐं थूम जो पेस्ट 2 खाइण जो चमचो, ऐं लीमे जो रस या अछो सिरको विझंदो 1 खाइण जो चमचो ऐं लूणु 1 खां 1.5 चांहि जो चमचो, नमक 1 से 1.5 चांहि का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगी आप इसमें कितना, 2 खाने के चम्मच और हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और लेमन जूस या सफ़ेद सिरका 1 से 1.5 खाने का चम्मच, पानी में अच्छी तरह मिला के और नमक आपने 1 से 1.5 चाय का चम्मच डाल दिया। अच्छी तरह मिलाने के बाद आपने इसको डिप करके रखना है ताकि ये अच्छा सा डिप हो जाए, कम अज़ कम 2 से 4 घंटे आपने इसको रखना है या 6 घंटे भी रख सकती हैं, जितना रखेंगी इतनी चिकन आपकी अच्छी बनेगी। अब ये टाइम हो गया है इसका काफ़ी, ठीक है। जब इतना टाइम हो जाए तो आपने सारी चिकन पहले निकाल लेनी है इस तरह करके पानी से, ठीक है। सजी मुर्गी कटी छंदासी पानी में, ठीक है। ये आप निकालते जाएं सारे पीसेस, लेग पीस वगैरह सारा पानी से निकालेंगी, लेकिन इसको आपने डिप कर, कल जैसे कॉल आई थी कराची से, पूरा प्रोसेस मैं इसीलिए बता रहा हूँ, आपने मुझे कहा था पूरी डिटेल में बताइएगा ताकि चिकन बहुत अच्छी बने और टेंडर हो जाए और गले और नरम हो अंदर से, इस वजह से ये फिर नरम भी रहती हैं, ठीक है। अब ये सारे चिकन के पीसेस हमने इस तरह निकाल लें, निकालने के बाद आपने क्या करना है, इस पानी को आपने डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना, ठीक है। ही पानी हाँ तां फिटो के छो, ये पानी आपने सारा निकाल देना है। सारा पानी फेंकने के बाद इस प्याले को वॉश करते हैं और इसी प्याले में हमने इसकी बनानी है मैरिनेशन, ठीक है। पानी निकाल देंगे उसी बड़े प्याले में ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छी, और मैरिनेशन करने के बाद आपने कम अज़ कम 4 से 6 घंटे चिकन को मैरिनेट करके रखना है, 4 खां 6 कलाक तां चिकन के मैरिनेट कर रखंदो मसालन में। अब ये सारा खुश कर दें धो के अच्छी तरह, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने डालना है चिकन सारा वापस, पूरा ऐसे ना अंडे लें कि उसमें पानी आ जाए, ये पीस बड़ा है तो मैं इसको दो कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह सारी चिकन वापस डालेंगे प्लेट में रख के ताकि इसका पानी निकल जाए सारा एक्सेस, और उसके बाद आपने उठाया और इसका भी मैं अलग कर रहा हूँ, बहुत बड़ा है विंग तो इसकी बोटी मैंने अलग कर दी, छोटी जैसे नॉर्मल हम कटिंग कराते हैं ना उसी तरह कराई गई, बहुत बड़ी आ गई है तो हमने इसे इस तरह अलग कर देना, खुद भी कर सकते हैं घर में आप इसकी कटिंग, ठीक है। ये हो गई आपकी, कितनी चिकन है हमारे पास, ये तकरीबन 1.25 किलो से 1.5 किलो जितनी चिकन है। अगर आपके पास ड्रम स्टिक हैं 6 से 8 तब भी आप इसी
क्वांटिटी में मसाले डालेंगी जितनी क्वांटिटी में मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। डिटेल से गौर से देखते जाइएगा इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और बिल्कुल वैसी बनेगी जो हम बाहर से खाते हैं जाके, ठीक है। हाँ असा इनमें छाछा विझण वाला आयो गौर सा ढिसंदा वनजो, इसको रखते हैं यहाँ पे। और ये हमने मसाले लेने, ये सारे हमारे पास मौजूद होते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, ठीक है। अदरक का पाउडर यानी सौंठ का पाउडर जो होता है, अदरक का पाउडर ये भर के डालेंगे 1 चाय का चम्मच। मस्टर्ड पाउडर मिल जाता है या पेस्ट हो आपके पास, ये भर के डालेंगे 1 से 1.5 चाय का चम्मच। लहसुन का पाउडर, लहसुन का पाउडर भी मिलता है। पेस्ट में और पाउडर में फ़र्क होता है, जो कमर्शियल काम होते हैं ना, जो हम रोस्ट वगैरह फ्राइड चिकन खाते हैं तो उसमें पाउडर फॉर्म में अदरक लहसुन यूज़ होता है, तो लहसुन का पाउडर मिल जाता है इजीली, ये भर के डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच। नमक हम डालेंगे, हिमालयन पिंक सॉल्ट है मेरे पास, आप नॉर्मल नमक भी डाल सकती हैं, 1 चाय का चम्मच। चिकन पाउडर 1.5 से 2 चाय के चम्मच और काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, अदरक का पाउडर 1 चाय का चम्मच, मस्टर्ड पाउडर या मस्टर्ड पेस्ट 1 से 1.5 चाय का चम्मच, लहसुन का पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 2 चाय के चम्मच या 1.5 चाय का चम्मच डाल दें, और इसके साथ आपने काली मिर्च पिसी भी डालनी है। इन केस आपके पास अगर अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो फिर आप पेस्ट डाल सकती हैं, लेकिन कोशिश करें पाउडर डालें, जो आपको फ्लेवर चाहिए ना पाउडर से आएगा। पीठल गाढ़ा मिर्च 2 चाय जा चम्मच, सुंड जो होंगी अदरक जो पाउडर हमें विझंदी 1 का 1.5 चाय जो चम्मच, मस्टर्ड पाउडर सरी से विझण जो पाउडर होंगे यो विझो इनमें 1 का 1.5 चाय जो चम्मच, 1.5 चाय जो चम्मच कहो। थूम जो पाउडर मिलन है, ठीक है जी, अदरक जो सुंड जो पाउडर मिलन या थूम जो पाउडर मिलन यो 1.5 चाय जो चम्मचो, अगर ना है तो अदरक थूम जो पेस्ट विझी सको था, कोशिश कजो ओरिजिनल रेसिपी में पाउडर वो। लूण 1 चाय जो चम्मचो, चिकन पाउडर 1.5 का 2 चाय जो चम्मच, कारा मिर्च पीठल 1 चाय जो चम्मचो। ये सारे मसाले डाल दिए, ठीक है। सारे मसाले डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको करना है अच्छी तरह मिक्स। सारे मसाले आपने चिकन पे अच्छी तरह लगाने हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें क्या डालने वाले हैं, सोया सॉस, चिली सॉस और सफ़ेद सिरका। ये है चिली सॉस जो हम चाइनीज़ में ऐड करते हैं, भर के 1 खाने का चम्मच। सोया सॉस भर के 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद सिरका भर के 1 खाने का चम्मच। सोया सॉस 1 खाने जो चम्मचो, अच्छो सिरको 1 खाने जो चम्मचो, ठीक है। ये अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, एक एक बोटी पे ये मसाला लगना चाहिए। 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस। ये काफ़ी देर तक आपने मसलना है इसके ऊपर बोटियों पे, ताकि ये इसके अंदर जो कट्स है ना, इसके अंदर भी ये मसाला लगना चाहिए। इस तरह हाथ से आप मसलते जाएँ, ठीक है। और ये सारे मसालों को अच्छी तरह लगाएं, लेग पीस देखें ये अंदर कट तक आपने हाथ में लगाना है, ताकि अंदर तक इसके मसाला लगे। घुमाते जाएं और अच्छी तरह एक एक पीस पे मसाला चढ़ाते जाएं, जो लिक्विड फॉर्म में मसाला नीचे आ रहा है वो एक एक बोटी को इस तरह मलते जाएं इस पर, ठीक है। जितना लगेगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। इसको आपने 4 घंटे कम अज़ कम या पूरी रात भी छोड़ेंगी तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर पूरी रात आपने छोड़ना है, आपने शाम में बनाने, तो सुबह सहरी के टाइम आप ये बना के रख दें, ठीक है, करके रख दें। फिर दूसरे दिन शाम में आपने बनाने, या एक दिन पहले भी आप करके रख सकती हैं। फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है, ठीक है। हाँ ही मुर्गी के तां चंगी तरह जड़े मसाला लगाई छड़िया तो पोता इनके फ्रिज में कवर करे रखन दो। सहरी में भी करे सगो था, अगर इफ्तारी में ठाणो आ तो सहरी में ही ठाई रखी छो। जितो टाइम दिंदो एतरो इनमें सुठो जायको इंदो। कॉल वठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, छा हाल आहे फैसल? मां बिल्कुल ठीक ठाक, तव्हां ॿुधायो। अलाए शुक्र आहे। सुञातव कोन सुञातव? कराची खां ॻाल्हायो पिया? गुलशन हदीद। गुलशन हदीद खां, जी जी। छा हाल आहे, ठीक आहियो तव्हां? नगमा मेमण। हा हा, ठीक ठीक। छा हाल आहे, ठीक आहियो तव्हां? काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ कॉल कई आहे तव्हां। अदा बसि कोन था करे सघूं, न तबियत सही न आहे, वरी या प्रूदम ते वञूं था, टाइम नथो मिले। सही सही सही। हा, तो उन जे करे मां चयो भला ॻाल्हायूं, शुरू त कोन वियूं, हींअर ॻाल्हायां। उन्हनि राजा सां बि ॻाल्हायो नंढड़ी अल, वरी इहो तव्हांजी
ॿी अथव ट्रांसमिशन ना ई आई अथव न ॿी वरी हुते आहे रमज़ान ट्रांसमिशन में आहे हुते 10 मिंट जो हूंदो आहे सेगमेंट लेकिन लाइव शो मुंहिंजो इहो ई हूंदो आहे अच्छा अच्छा जी ठीकु आहे हा मुंहिंजे नंढड़ीअ खे उहो विस्क जो उनसा मेमण छा नालो आहे उनसा मेमण उनसा मेमण बर्थडे आहे छा हा हा हलो ठीकु आहे उनसा मेमण हैप्पी बर्थडे हमेशा खुश आबाद रहो हलो ठीक हलो ठीक है वालेकुम सलाम ओके जी अल्लाह हाफिज़ अब यहाँ पे ये देखें मैरिनेट करके आपने 6 घंटे 4 घंटे कम से कम छोड़ना इसके अंदर टेस्ट आएगा इसी तरीके से ड्रम स्टिक हो 1 किलो जितनी है जो भी हो आपने यही प्रोसेस करना अब हमने इसकी कोटिंग बनानी है कोटिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर लेना है तकरीबन 1.5 कप मैदा ठीक है ये ज़्यादा था 1.5 कप मैदा ले लिया इसमें हमने डाल देना है 1.25 कप यानी 1.5 कप का आप हाफ कर दें या 1 कप आप कॉर्नफ्लोर ले लें ठीक है ब्रेक पे जा रहे हैं मैं हाथ रोक रहा हूँ ब्रेक से आके इस रेसिपी को गौर से देखिएगा लिखते जाइएगा सुबह 12 बजे रिपीट में होगा जी हाँ छाना लो उनसा मेमन तव्हांखे हैप्पी बर्थडे सिन टीवी जी तरफ़ां सॼी टीम जी तरफ़ां हमेशह खुश आबाद रहो हैप्पी बर्थडे चई छॾियो मां हिननि खे ॿारनि खे तव्हां ॾिसी वरितो हूंदो ऐं हाणे वञूं त हिकिड़ी शॉर्ट ब्रेक है ब्रेक खां पोइ अची रेसिपी कंटिन्यू कंदो वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक ते हुननि खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका कोटिंग ठाही हुई उहो तयारु थी वई आहे ठीकु आहे कोटिंग कर ली थी चिकन की अब वो जो मैरिनेशन कर ली थी वो तैयार हो गई 4 से 6 घंटे या पूरी रात रख सकती हैं सारा दिन रख सकती हैं यहाँ पे हमने 1.5-2 कप मैदा लिया ठीक है और 1.25 कप यानी 1 कप से थोड़ा कम आपने कॉर्नफ्लोर डाल दिया ठीक है 1.25 कप कॉर्नफ्लोर यानी 1 कप का थोड़ो घट 1.5 कप तां मैदो खणंदो हुन जो 1.5 कप जो अधु तव्हां खणंदो कॉर्नफ्लोर ठीक आहे कॉर्नफ्लोर खणण खां पोइ असां हिनमें विझंदासीं चांवरनि जो अटो अब इसमें डालेंगे चावल का आटा चावल का आटा कितना जाएगा इसमें 1/2 कप क्रंच बनेगा बहुत अच्छा सा चावल का आटा 1/2 कप ठीक है मैदा 1.5 कप कर लें और कॉर्नफ्लोर 1.5 कप का 1/2 कर लें 1.25 कप ठीक है और उसके बाद चावल का आटा आपने 1/2 कप डालना है अब हमने इसमें क्या डालना है क्योंकि ये जो पाउडर फॉर्म है ना ये भी टेस्टी होना चाहिए ये भी क्रंच हम खाते हैं तो वो फीका ना हो कि मैदे से उसमें फ्लेवर ही नहीं आ रहा तो इसको हमने फ्लेवर देना है इसमें हमने डालना है भर के 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच भर के चिकन पाउडर 1.5 चाय का चम्मच या 2 चाय के चम्मच लहसुन का पाउडर ये ज़रूर जाएगा इसी से फ्लेवर आता है इसकी कोटिंग में और नमक 1 चाय का चम्मच 4 चीज़ें जाएंगी ठीक है 1.5 चाय का चम्मच आपने भर के डालना है या 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च सेम क्वांटिटी में चिकन पाउडर लहसुन का पाउडर 1.5 से 2 चाय के चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच इन अट्टे में पीठल गाढ़ा मिर्च 2 चाय के चम्मच या 1 टेबल स्पून या थोड़ा उनका मथे चिकन पाउडर 1 खां 1.5 खाइण जो चमचो थूम जो पाउडर हिन में वेंदो 1 खाइण जो चमचो या 2 चाय जा चमचा अंदाज़े सवी छॾिजो ऐं लूणु हिन में 1 चाय जो चमचो ठीक है ये सारा पाउडर फॉर्म चला गया पूरा डिटेल में बताता जा रहा हूँ गौर से नोट करते जाइएगा अब इस मिक्सचर को आपने इतना मिक्स करना है कि पूरा आटा जो है ना ये कोटिंग वाला एक जैसा हो जाए ठीक है ये पूरा बड़े खुले पैन में आपने इस तरह डालना है ताकि आपको कोटिंग करने में आसानी हो बस ये 2 चीज़ों से कोटिंग होती है बड़ी अच्छी जिंगर की ठीक है जिंगर की जो कोटिंग होती है ना ब्रोस की 2 चीज़ों से होती है एक तो ये वाला पाउडर फॉर्म और एक होता है पानी सादा पानी पानी में कुछ भी नहीं मिलाएंगे नॉर्मल पानी आपने एक बड़े प्याले में भर के रखना है ये हो गई अब यहाँ पे हमारे पास है पानी बस ये 3 चीज़ें मैरिनेटेड चिकन ये पाउडर इसमें ना अंडा जाएगा ना इसमें कोई चीज़ जाएगी ये इसी तरह कोटिंग होगी जो कमर्शियल तरीका होता है रेस्टोरेंट्स में वही तरीके से मैं कर रहा हूँ ठीक है अंडे वगैरह मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको बाइंडिंग करने के लिए अंडा कुछ भी नहीं यहाँ पर हमने लेना है तलो कुकिंग ऑयल ये हो रहा है गरम अच्छी तरह अभी मैं 5 मिनट फुल आंच पे करूँगा ताकि अच्छा गरम हो जाए फिर मीडियम फ्लेम पे करेंगे बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाना है कि चिकन अंदर से कच्चा रह जाए 10 से 15 मिनट आपने चिकन को फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे टेम्परेचर बिल्कुल सही ही होना चाहिए उसके बाद हम इसके सॉसेज बनाएंगे अब हम इसकी कोटिंग करना शुरू करते हैं और एक प्लेटर लेते हैं बिल्कुल खुश्क प्लेटर होना चाहिए ठीक है पानी का एक कतरा भी ना हो खुश्क प्लेटर रखंदासीं अब हमने क्या करना है ये आपने आटा अच्छी तरह मिक्स कर दिया मसालों के साथ
ठीक है, बिल्कुल आपको वो अंदाज़ा हो कि बिल्कुल मिक्स हो गया। हाँ सा जो मिक्स थी हो, अब हमने ये पानी साथ रखना है। एक पीस उठाया यहाँ से, ये देखिए, ठीक है, मैरिनेटेड पीस उठाया, इसको हमने डाला आटे में। दो हाथ आपने यूज़ करने, एक आपने पानी में यूज़ करना, एक आपने आटे में यूज़ करना। ये ना हो कि वही पानी वाला हाथ आप आटे में करेंगी तो फिर आपके हाथों पे पूरा आटा चिपकना शुरू हो जाएगा मैदा, ठीक है। तो एक हाथ से हमने पूरी चिकन को ये मिक्सचर डाला, कवर किया और इसको अच्छी तरह घुमाया, इस तरह करके ऐसे ये काम करना है आपने, ठीक है, ऐसे घुमाया यूँ। इस तरह आपने घुमाया, अच्छी तरह दबाना है ताकि इसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग बने। इन तरीके से थाल खड़ी वर जो स्टील के थाल में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ, अच्छी तरह कोट हो गया ना, इसको आपने इस तरह पकड़ा यूं झाड़ा। अभी देखें झड़ गया, इसके ऊपर कोटिंग आ गई। झाड़ने के बाद आपने इसको छोड़ देना है पानी में, ठीक है, 30 सेकेंड पानी में छोड़ देना है। पानी में छोड़ने के बाद अब दूसरे हाथ से आपने पानी में से निकालना, इसी हाथ से नहीं, क्योंकि जिस हाथ में आपके मैदा लगा हुआ है ना वो हाथ आपने पानी में नहीं डालना। अब दूसरे हाथ से आपने इसको 30 सेकंड के बाद उठाया, आराम से इस तरह पानी पे पकड़ें, ठीक है, पानी निकल गया, कोटिंग देखें इसके ऊपर बिल्कुल लगी हुई है। अगेन इसको मैदे में डाला, अब दूसरे हाथ से उसी हाथ से आपने पूरा मैदा इसके ऊपर पहले एक दफ़ा डाल देना है, एक दफ़ा मैदो सजो विजी छजो ताकि हाथ में आलू चिकन ना लगे ताजे। अब इसको इस तरह मैदा डालते जाएं और इस तरह घुमाते जाएं, ठीक है, इस तरह दबाएंगी, जितना दबाएंगी इतनी अच्छी कोटिंग बनेगी। एहतियात से बहुत आराम से अच्छी तरह आपने इसको घुमाते जाना है। अब इसको उठाया, पकड़ा और इसको यूँ झाड़ना शुरू किया, ठीक है, यूँ झाड़ेंगी अच्छी तरह। फिर जहाँ आपको लगे गीला लग रहा हाथ में वहाँ हल्का सा मैदा लगा दें, फिर उठाया, अब इसको झाड़ते रहें इस तरह एक मिनट 30 सेकंड तक, ताकि इसके ऊपर वही जिंगर का लुक आएगा और अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी। अभी जब कोटिंग हो जाएगी ना, आपने इस तरह झाड़ के इसको रख देना यहाँ पर, ये हो गई कोटिंग एक। फिर दूसरा उठाया पीस, अब हम उठाते हैं यहाँ से दूसरा पीस, जो नीचे मसाला है ना लिक्विड वाला, उसमें एक दफ़ा घुमा दिया करें ताकि अच्छा सा लिक्विड इस पर आ जाए। वरी ही रखियो इनके अंदर, हे मैदो खयो इनके मत्था लगायो इन तरीके से। ठीक है, बहुत आराम आराम से छोटे पीसेस भी कर सकती हैं, जैसे एक चिकन के हमने 18 पीसेस बना लिए, उस तरह भी कर सकती हैं, छोटे आपके पीसेस बनेंगे, ठीक है। उठाया, इसको झाड़ा, इसको झाड़ने के बाद अच्छी तरह झाड़ के आपने पानी में छोड़ दिया, ठीक है। इसी दौरान हमने दूसरा पीस उठाया, यहाँ पे रखा, जब तक वो पानी में, इस तरह जल्दी जल्दी अब करते जाएं, ठीक है, इसको अच्छी तरह दबाया, ख्याल से हड्डी वगैरह निकली भी ना हो हाथ में आपके ना लगे, ठीक है। चिकन को पहले चेक कीजिएगा, कहीं हड्डी आ रही हो तो वो आपने काट लेनी। ये देखें अच्छी तरह इस तरह घुमाते रहें इसको, इन तरीके से घुमाइंदा रहो, इनके यहीं झलियो, ये झाड़ दिया। अब वो पीस निकालते हैं दूसरे हाथ से, इसको डाल देते हैं ताकि आपके सारा काम साथ साथ होता जाए। पकड़ के रखना है, ये जो निकाला था इसको पानी में डाल दिया, अब इसको दोबारा करते हैं, एक एक पीस घुमाते जाएं और करते जाएं, ठीक है। अच्छी तरह आपने इसको इस तरह घुमाना है, दबा के ज़ोर प्रेशर देना है, इतना प्रेशर नहीं चाहिए कि गोश फट जाए, लेकिन अच्छा प्रेशर जितना देंगी उतना आपका जिंगर अच्छा बनेगा, ठीक है, जितना आपने प्रेशर देना है, लेकिन इतना नहीं दीजिएगा गोश फट जाए। अब इसको उठाया, ये झाड़ा, देखें जो पीसेस गिर रहे हैं गिरने दें, ठीक है, जहाँ से आपको लगे गीला है दोबारा इसको टच किया, ये देखें यहाँ पे रख रहा हूँ, इसका लुक देखें बिल्कुल जिंगर का हो गया। ये दूसरा पीस उठाया, पकड़ के रखें, ठीक है, इन तरीके से पकड़न दो, वरी इनमें रखियो पीसेस नंढा वड़ा, तां पांजी मर्जी से करे सको था, ठीक है। चंगी तरह मैदो लगाई दो, ढो जबरदस्त आई ठो घर में, जो अस बाहर वही खाईंदा ब्रोस्ट वगैरह क्रिस्पी फ्राइड चिकन सब इन तरीके से ठंदी, कोई डिफरेंट ना है, अंडो वगैरह कुछ भी ना विझबो, ठीक है, अंडा वगैरह कुछ भी नहीं डलता, इस तरीके से ये बनता, बस इसको दबाते जाएंगी ना तो वो इसके ऊपर रिंकल्स बनते जाएंगे, वो होती जाएगी ब्रोस्ट की तरह, जिंगर की तरह रफ होता जाएगा।
इसको पकड़ा, इसका खुद लुक देखें, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर चेक करता हूँ, साथ साथ इसको फ्राई करना भी शुरू करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे छोटा सा एक पीस जो इसमें से निकाल के, कोई भी ऐसा पीस आ रहा है तो वो डाल के देखेंगे। बिल्कुल सही है टेम्परेचर, ना ज़्यादा गर्म है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब जो चिकन हमने उठाई थी इसको एक दफ़े यूँ झाड़ें, ये देखिए इधर ही पकड़ के यूँ झाड़ना है, इन्हीं तरीके से इनके ही पकड़े हिलाइंदा विंदा हो, ताकि जो एक्स्ट्रा जो पाउडर है वो निकल दो। बने डालने से पहले इस तरह हिलाते रहें, सो ये देखिए खुलता रहेगा ये चिकन और इसका एक्सेस जो पाउडर है ये सारा गिरता रहेगा। अच्छी तरह फालतू पीसेस गिर गए, ये पीस आपने डाल दिया। फिर दूसरा पीस उठाया, इसी तरह प्लेटर पे पकड़ा, इसको हिलाते रहें, इससे जिंगर का लुक भी आता रहेगा और एक्स्ट्रा पीसेस गिरते जाएंगे जो आपके ऑयल में जाके ख़राब ना हो, ठीक है। इस तरह झाड़ने से इसके फ्ले बनेंगे, इसके अंदर पीसेस खुलेंगे जैसे जिंगर में खुलने चाहिए, ठीक है। ये हो गया, तीन पीसेस मैंने कर दिए हैं, ये तीन पीसेस मैंने इसमें डाल दिए। ऑयल जितना डीप फ्राई होगा उतना आपका जिंगर अच्छा बनेगा, एक्स्ट्रा जितना गिरा है इसमें से पीस निकाल दें। जितरो डीप फ्राई कंदो, अगर चिकन बाहर आ रही होगी ना ऑयल से, तो कभी भी आपका जिंगर और क्रस्ट अच्छा नहीं बनेगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब लेते हैं लेग पीस, जैसे आपने भी कॉल की थी कल के ड्रम स्टिक्स हैं लेग पीसेस में, तो ये लेग पीस का देख लें तरीका, ठीक है। ये रखा इसमें, इसी तरह आपने उठाया और इसको अच्छी तरह आपने इस तरह हिलाते रहना है लेग पीसेस को भी। मैदा अच्छी तरह लगाना है जिस तरफ गोश्त ज़्यादा है, ठीक है, जिन पास गोश्त वदी का, ये इस तरह दबाते जाएं, घुमाते जाएं लेग पीस को। अब ये बहुत तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, 10 मिनट से 15 मिनट के दरमियान ये पकेगा, ठीक है। ये ना हो कि गोश्त कच्चा रह जाए और ऊपर से आपकी कोटिंग ब्राउन हो जाए, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अच्छी तरह अब इसको उठाया, इस तरह आपने झाड़ा लेग पीस को, इसको आपने पानी में डिप कर दिया। इसको छोड़ के जब तक दूसरा पीस उठाते हैं, ये कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी होते जाए। 30 सेकंड देने हैं, 30 सेकंड देना ही नहीं है, आधे मिनट में हिकड़े चिकन के तांके पानी में छोड़ दूँगा। अभी मैं इसको बिल्कुल स्पून नहीं चलाऊँगा जी। कराची से कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? आप ठीक है? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा वो ना वो प्रोफेसर भाई मुझे ना वो चाइनीज चावल बनाने, वो उसकी रेसिपी कब बनाओगे आप? चाइनीज राइस में इंशाल्लाह मंगल या बुध को बनाऊंगा ना, क्योंकि कल तो हम कोरमा बना रहे हैं, देगी कोरमा, ठीक है। और फिर पीर मंगल को बना दूंगा चाइनीज राइस, ठीक है। अच्छा, मंगल को देखिएगा जरूर। आप ठीक हो ना, आपकी तबीयत ठीक है ना जी? आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं अब ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं। रोजे कैसे जा रहे हैं? आप बस रोजे सही जा रहे हैं, सही पर अल्लाह का। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, ठीक है, इंशाल्लाह देखिएगा मंगल को बना दूँगा। अब देखें इसको मैंने झाड़ दिया, ये भी हो गया पीस। दूसरा पीस निकाला अंदर से, पानी से पकड़ के रखा, इस तरह चिकन को इसमें डाला। हाँ चिकन के चेक कहीं होता, ठीक है। अब चेक करते हैं चिकन को, आराम से फोक ले लें उससे, ये देखें फ़ौरन आपने नहीं कोटिंग हट जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। आंच हल्की कर रहा हूँ, बहुत ठंडा ऑयल ना हो और अच्छी आंच हो, हल्की हो। इसको हल्का सा आपने हिला देना और इसको ऐसे ही रहना है। जितना डीप फ्राई होगा अंदर होगा उतना अच्छा फ्राई होगा। अगर चिकन बाहर आ रहा होगा ना, फ्राइंग पैन में करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, कम अज़ कम 1 से 1.5 लीटर ऑयल होना चाहिए आपके पास। ऑयल ज़ाया नहीं होगा, ऑयल को ठंडा करें, छान के आप रख दें, फिर आगे पकौड़ों में, सालन में, हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। हड्डी का ख्याल रखिएगा, खासकर सीने की रान के जो थाई पीस होते हैं इसमें हड्डी होती है, ठीक है, तो ये आपको लगे ना हाथ में। अब ये हो गया जिंगर इसका भी, और अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्प देना है ना बहुत ज़्यादा, तो फिर आप दो दफ़ा प्रोसेस करेंगे, एक दफ़ा मैदे में डाला, पानी से निकाला, मैदे में डाला, फिर पानी में डालेंगे, फिर तीसरी दफ़ा, दो दफ़ा पानी, तीन दफ़ा मैदा लगाएंगे, तो वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी होगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है, बहुत ओवर हो जाता है वो खाने में ना। अब जो छोटे पीसेज हैं ये उठाते हैं, इनको करते जाएंगे जल्दी जल्दी। नंडा पीसेस जेकर रेजिमेन सीनेजा हेवारा खंडा सी, इनको भी इसी तरह घुमाते जाएं, ठीक है, इस तरह पानी में डालते जाएं, हिला के अच्छी तरह इसका पाउडर निकाल के, तो ये आप इसमें करते जाएं। ये जितना मैंने मैदा बताया था ये 1.5 किलो तक की चिकन के लिए काफ़ी है, ठीक है। एक पूरी मुर्गी के भी अगर आप पीसेज बनवाते हैं इसके लिए भी इतना मैदा काफ़ी जितना हमने मिक्सचर बनाया। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं यहाँ से जा रहे बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? ठीक हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको शो रोज शौक से देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बोलना था फैसल भाई कि अभी जो आपने चिकन में मसाले लगाए हैं, आप रिपीट कर दें। बिल्कुल रिपीट करा, लाइट अभी, और अभी थोड़ी देर बात की, जब तक मैं टीवी के पास जा रही हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में रिपीट कराता हूँ। लाइट अभी आई आपकी? जी जी, 3:30 बजे आई। ठीक है, आप देखें, मैं रिपीट कराता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। ओके, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। ये देखें, ये सारे पीसेस मैंने निकाल दिए पानी से। ठीक है, अब इन एक एक पीस को दोबारा इसमें जिंगर कर। अच्छा, अगर आपको लगता है मैदा कम हो रहा है या कहीं 2-4 चम्मचों की ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मिला सकते हैं। ठीक है, अगर तांके लगे तो मैदा घट्ट पैपे। अब इसको बगते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, 7 का 8 मिनट थी चुका है। हाँ, इनके खड़ंदासी चिकन के पीसेस के, तो आप इसमें क्या करेंगी, थोड़ा देखें, मैंने मैदा रखा हुआ है ना हाथ में लिया, ये वैसे ऊपर से मिक्स कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा हमने कॉर्नफ्लोर लिया 2 खाने के चम्मच, ये ऊपर से डाल दिया। इससे क्या होगा, अगर आपको लग रहा है कोटिंग में थोड़ा ज़रूरत पड़ रही तो फिर आप इसको मिला सकती हैं। ठीक है, 2-3 चम्मच मैदा या कॉर्नफ्लोर दोनों को मिक्स करके, वो कोई फ़र्क नहीं आएगा कोटिंग में। ठीक है, अच्छी तरह आपने इनको चिकन को मिक्स किया और इस तरह झाड़ा, अच्छी तरह झाड़ के रखते जाएँ। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वॉल्यूम बताइए जो, तो जो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मीरपुर से बात कर रही हूँ। परा कैसी हैं आप? ठीक हैं जी भाई, ठीक ठाक। आप सुनाएं, दुआएं आपकी, कुछ कहना चाहेंगी? जी भाई, मैं बता रही थी कि हम लोग 3 दिन से आपके पास कॉल कर रहे हैं बराबर। दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही, क्या कह रही हैं? ये कह रही हूँ, हम लोग 3 दिन से आपसे कॉल से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम आपके, आपकी सारी रेसिपी हमें बनाती हूँ, मेरी अम्मी भी आपको बहुत शौक से देखती है। शुक्रिया बहुत बहुत, अम्मी को सलाम कहिएगा मेरा जी। और आपकी सारी रेसिपी मैंने बनाई है, शरबत भी बनाए, मसाले भी बनाए, सब कुछ घर में ही बनाया आपके रमजान में। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, कोई फरमाइश करनी है आपने? बस भाई लब्बे शीरी की फरमाइश ये सिखा दें। लब्बे शीरी बस अब नेक्स्ट वीक बनेगा, लब्बे शीरी और फ्रूट ट्राइफल है, जर्दा है, और मीठे 2-3 और भी बनाऊंगा ईद के हिसाब से ना, तो बस नेक्स्ट वीक देखने। शुक्र दीजिए। एक एक भाई फरमाइश, मटन की कोर्मा पसंद है? मटन कोर्मा बता दें। मटन कोर्मा कल बन रहा है, ठीक है, कल देखिएगा आप उसको मटन में, चिकन में, बीफ में बना सकती हैं। कल हम देगी कोर्मा बना रहे हैं। ठीक है, और अम्मी कह रही थी आप है ना बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, बार बार बताते हैं ना, अम्मी बहुत खुश होती हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, अम्मी को कहिएगा मेरे दुआएं किया करें बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। आपको और आपकी टीम को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अब देखिए मैदा पूरा हो गया, ठीक है, और जो कम पड़ रहा हो 1-2 खाने के चम्मच, इसको मैंने छेड़ा नहीं है, अच्छा इसी तरह पकने दें, तो 15 मिनट आप मीडियम टू लो फ्लेम पे, जितना अच्छा पकेगा उतना अच्छा आपका चिकन बनेगा। बोटियों को अच्छी तरह मसल मसल के इस तरह झाड़ते जा रहे हैं। ये हमारे जिंगर के पीसेस तैयार हो रहे हैं, इसके अंदर में हमें एक पीस और पड़ा हुआ है छोटा, देखें कितना आराम से सारा काम हो गया। ठीक है, अब मैं इसकी मैरिनेशन जो है चिकन की वो रिपीट करा रहा हूँ। मैरिनेशन के लिए हमने 1 से 1.5 किलो चिकन लिया, ठीक है, उसको आपने अच्छी तरह धोना है, फिर आपने एक बड़ा बॉल लेना है, उसमें 6 गिलास पानी डालना है, इतना पानी हो कि आपकी पूरी चिकन जिसमें डिप हो जाए। उसमें पानी में आपने डालना है 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने के चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 से 1.5 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका और 1 खाने का चम्मच नमक, पानी में मिला दिया और चिकन को डिप करके आपने 6-4 घंटे चिकन को पानी में डिप करके रखना है, ताकि चिकन बहुत अच्छा बनेगा, जूसी बनेगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, कहीं नहीं जाएगी, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके आगे का प्रोसेस जो मसाले की मैरिनेशन वो बताता हूँ। वटू तक की शॉर्ट ब्रेक काली ना मंजो। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक थे उनका पेई ताएं सामू जेकर रेसिपी ठही वही। कॉल वठूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहां से बात कर रहे हैं? मैं अक्षा बात कर रही हूं कराची से। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, दुआएं आपकी, कुछ कहना चाहेंगी? जी मुझे एक फरमाइश करनी थी। बिल्कुल कीजिए जी। समोसा पट्टी बनाते हैं ना? दोबारा बोलिए। समोसा पट्टी। समोसा पट्टी जी, वो बनाना सिखा रही हूँ अगर आप। बेटा समोसा पट्टी तो मैंने रमज़ान से पहले बनाना सिखा दी थी, आप यूट्यूब पे देख लें, वहाँ पे रेसिपी अपलोड है। ठीक है जी,
ठीक है ओके बेटा अल्लाह हाफिज़। ये देखें इसका लुक देखें बिल्कुल वही आ रहा है। और मैं देखें इसको स्टैंड पे रख रहा हूँ छन्नी के ऊपर, अगर ये नहीं तो बड़ी सी कोई छन्नी हो, जैसे चावल छन्ने वाली जो हम छन्नियाँ यूज़ करते हैं ना घर में, बड़ी सी होती है स्टील की जिसमें हम चावल निथारते हैं पानी बॉयल करने के बाद चावलों को, वो वाली छन्नी भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का स्टैंड होता है ये, इससे क्या होता है हीट निकल जाती है, बड़ा अच्छा ऑयल जो होता है नीचे ट्रे रखा हुआ एक्सेस ऑयल भी निकल रहा होता है ना, तो कोई ऐसी छन्नी रखें नीचे ऑयल रखें और सॉरी ट्रे रखें ताकि इसका ऑयल निकलता जाए। अब इसका कलर ख़ुद आपको अंदाज़ा हो रहा होगा और इसका क्रस्ट जो बन रहा है वो भी आप देख सकती हैं कि बिल्कुल वही बना है जो हम जाके खाते हैं। थोड़ा टाइम बस देना होता है, अच्छा सा ऑयल का टेम्परेचर कम होना चाहिए। अब हम इसमें लेग पीस डालेंगे, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके दूर दूर करके आपने पीसेस डालने, साथ नहीं डालने। 15 मिनट आपने इसको टाइम देना है पीसेस को, ठीक है 15 मिनट आपने इसको टाइम देना है। और जो मैरिनेशन है वो अच्छी करनी है, 15 मिनटन जो टाइम दें दो ऑयल में, हल्की बाहे ते हो जाए, इलाही हल्की ना हो जाए कि सफ़ा ऑयल पकड़ी पाए ये ना हो जाए, ठीक है इतना ऑयल कम ना हो टेम्परेचर के ऑयल जो क्रस्ट है वो ऑयली हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम रखना है टेम्परेचर, आपको ख़ुद भी अंदाज़ा होता है पकौड़े वगैरह बनाती हैं आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा मैं मैरिनेशन बता रहा था, जब आपने हरी मिर्च अदरक लहसुन और पानी में सिरका और उसके नमक के पानी में रखा, 2 घंटे से 4 घंटे आपने डिप करके रखना है चिकन को, ठीक है उसके बाद आपने निकाल के उसका पानी फेंक देना है। फिर एक प्याले में आपने, पहले कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाह इस्लाम, कैसे हैं अंकल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शिराजपुर से कशिश बात कर रही हूँ जी। कुछ कहना चाहेंगी? जी आपका शो बहुत अच्छा है, हम शौक से देखते हैं आपको शो, आपकी रेसिपीज भी ट्राई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, कोई फरमाइश करनी है? जी हमें चिकन शौरमा बनाना सिखा दें। चिकन शौरमा, ठीक है बेटा मैं कोशिश करूँगा, रमजान में बना दूंगा, ठीक है। मैं उस दिन मैक्रोनी का पूछा था ना, मैक्रोनी तो मैंने बनाई थी, आपने देखी थी पास्ता? नहीं उस दिन मैक्रोनी का पूछा था ना कितनी ली थी आपने। वो हमने बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा मैंने वैसे टीवी पे ही बना दी थी, चले मैं शौरमा इंशाल्लाह जल्द बना दूंगा रमजान में, ठीक है जी। ओके बेटा थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये हो गई। अच्छा मैरिनेशन में बता रहा था कि आपने फिर एक प्याले में क्या डालना है, 1.5 से 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, पहले चिकन डाल दें उसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल दें 2 चाय के चम्मच भर के, ठीक है। मस्टर्ड पाउडर, मस्टर्ड का पाउडर या पेस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो 2 चाय के चम्मच डालेंगी। अदरक का पाउडर सौंठ जिसे कहते हैं वो भर के 1 से 1.5 चाय का चम्मच 1.5 चाय का चम्मच डालेंगी। फिर लहसुन का पाउडर मिल जाता है हर जगह मसालों की शॉप पे, लहसुन का पाउडर, ठीक है गार्लिक पाउडर कहते हैं, खुला भी मिलता है और पैकेट में भी, वो डालेंगे 1.5 से 2 चाय के चम्मच, ठीक है। चिकन का पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच और नमक आपने डाल देना है 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 2 से 3 चाय के चम्मच भर के, ठीक है। मस्टर्ड पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच भर के 1.5 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई या पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, अदरक का पाउडर सौंठ का पाउडर 1 खाने का चम्मच या 1.5 चाय का चम्मच वो अपने मर्ज़ी से कर सकती हैं, लहसुन का पाउडर भी 2 चाय के चम्मच इस तरह करके डालेंगी और सबको मिक्स करेंगी। सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चम्मच। दोनों हाथों से चिकन को कट लगे हुए होने चाहिए चिकन के लेग पीसेस पे सीने पे, फिर आपने दोनों हाथों से अच्छी तरह 10 मिनट तक चिकन का मसाज करना है, मीन्स के इतना लगाना है उस पर कि अच्छी तरह उसमें जज्ब हो जाए, उसके जो कट्स हैं उसके अंदर जाए, मसाज करते रहें, एक एक बोटी को पकड़ के अच्छी तरह सेट हो जाएगी, कवर करके 6 घंटे कम अज़ कम आपने छोड़ना है या पूरी रात छोड़ दें उसकी, ताकि अंदर से कच्ची ना हो, मसालों से ही उसका ब्लड ख़त्म होगा, जल जाएगा अंदर बिल्कुल, वो वैसी हो जाएगी जैसे मार्केट से लेती। उसके बाद आपने कोटिंग बनानी जो मैंने कोटिंग बता दी थी, ठीक है। कोटिंग बना के देखें इसका ओरिजिनल वही कलर है जो हम मार्केट से जाके लेते हैं। अब इसके बाद हम फ्राइज़ बनाएंगे। फ्राइज़ का तरीक़ेकार एक होता है कि फ़्राइज़ के भी अक्सर कहते हैं कि हमारे अच्छे नहीं बनते, तो फ्राइज़ आपने काट लेने, पानी गर्म करना है 3 मिनट आपने पूरा, जब पानी में बॉयलिंग आई कि जितने फ्राइज़ चाहिए 2 आलू के 3 आलू के आपने बनाने, उसमें डाल दें पानी में 3 मिनट, 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, घड़ी पर नज़र रखना है, 3 मिनट आपने पानी में बॉयल करके फ़ौरन निकाल देने। फिर आपने ठंडा पानी जो हम फ्रिज से पीते हैं ना निकाल के, या कूलर में बनाते हैं बर्फ़ का पानी जैसे पीते हैं, उतना जितना ठंडा हम पीते हैं, फ़ौरन निकाल के उसी ठंडे पानी में आपने फ़ौरन डाल देने फ्राइज़, ठीक है। गरम 3 मिनट बॉयल करने के बाद आपने फ़ौरन निकाल के ठंडे बर्फ़ के पानी में, बहुत चिल्ड ना हो पानी, ऐसा हो जैसे हम बर्फ़ फ्रिज का पीते हैं रखा हुआ पानी ठंडा,
उसमें डाल देने हैं। 5 मिनट डिप करने के बाद जब वो ठंडे होने लगेंगे, टेम्परेचर एकदम उसका डाउन हो जाएगा, नरम नहीं होंगे, सख्त हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर दूसरा प्याला लेना है। 5 मिनट के बाद दूसरे प्याले में टैप वाटर, जैसे नॉर्मल पानी होता है ना, उसमें आपने डिप करना है 5 मिनट, तो बिल्कुल टेम्परेचर पे आ जाएंगे, जैसे ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद आपने उसको फैला देना है किसी टावल पे, किसी ट्रे पे, किसी छन्नी में, हवा में रख दें, बिल्कुल ड्राई हो जाएँ। तो ये बिल्कुल उस प्रोसेस से गुजर के आए, उसके बाद हम इसको कोट करके फ्राइज को पकाएंगे। कॉल बैक टू द, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर भाई, कैसे हैं? मैं वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक बिल्कुल। आज मेरी फरमाइश पूरी हो गई है, शाम को मैंने ये लेग पीस बनाने हैं रोस्ट वाले। आप कहाँ से, कराची से बात कर रही हैं? नहीं, डीजी खान से। रोजाना वाली कलर, रोजाना पास। आप मैरिनेशन फिर अभी रात को अब बनाने, तो आप मैरिनेशन इसकी कब करेंगी? मैं रात को बना के रख दूंगी, सुबह कल रोजे के टाइम मैं इनको फ्राई करूंगी। बिल्कुल ऐसे कीजिएगा, क्योंकि जितनी आप ज्यादा आपको बताऊंगी ना कैसे बनाए हैं। लेकिन पानी में आपने जरूर डिप करना है, हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और सिरका, पानी में जो प्रोसेस बताया ना, तभी अच्छे बनेंगे, ठीक है भाई? सब कुछ वैसे ही करूंगी, मैंने लिख लिया है बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज। चले, और कोई फरमाइश करनी? आप इतना अच्छे हैं, इतना अच्छे हैं, अल्लाह करे आपको कभी भी कोई तकलीफ ना हो। आमीन, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं देहात में रहती हूँ और बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, पहले तो मुझे एक भी बनाना भी नहीं आता था। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। आपसे सीखा है, जो कुछ सीखा है आपसे सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग की दुआएं हैं। और रोज दुआएं करती हूँ, रोज, यकीन माने रोजे में हूँ और मैं रोजाना आपके लिए दुआएं करती हूँ, रोजाना मुंह से लफ्ज निकलता है फैसल भाई, अल्लाह करे आपको कुछ ना। आमीन आमीन, बस आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। कोई और फरमाइश करनी है आपने? हाँ, मैंने फरमाइश करनी है, जैसे कढ़ाई बनाते हैं ना, मैं सेल इधर कुछ काम करना चाहती हूँ, 5 किलो की। क्या चीज बनानी है? ये कढ़ाई वगैरह, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। आप यूँ करें, करनी है ना, आप यूँ करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें, ठीक है? आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको जो भी इस तरह की हेल्प चाहिए हो ना, कि 5 किलो 8 किलो के बनाने की, कोई भी आपको चीज़ बनानी है, अगर आप छोटा मोटा बिजनेस अपना करना चाह रही हैं, अल्लाह करे आपको उसमें अल्लाह तरक्की दे, कामयाब करे, तो वो फिर आप मुझसे पूछ लिया करें। आमीन, आप मुझसे पूछ लिया करें, जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आपके काम आऊँगा। तो आपको जितना भी चाहिए होगा, जो भी रेसिपी, आपके घर वालों को, बच्चों को, आपके वो सबको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैंने ना, मेरा ये आपका मोबाइल है, मैं अपनी बेटी से मोबाइल जब लूंगी व्हाट्सएप करूंगी, मेरी बेटी आपसे हर चीज पूछती है। ठीक है, बस मुझसे पूछ लीजिएगा, जो भी आपने 5 किलो 6 किलो जितना बनाना होगा ना, मैं आपको घर के मसालों को बताऊंगा इंशाल्लाह। 5 किलो की सेल करना चाहती हूं, आप मुझे, मैं अभी नंबर बताता हूं, तो आप मुझे इस पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? जी जी बिल्कुल। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, थैंक यू, जजाकअल्लाह। आमीन। अच्छा, यहाँ पे आलू इसी तरह, ठीक है, पटाटन या चिप्स जो असा सुठा वारा खाईंदा आयो मार्केट में वी, जो फ्रोजन वी आयो या वे आउटलेट से वही खाईंदा आयो, वो पटाटन जो चिप्स ठाया, पानी बॉयल कयो, 3 मिंट घड़ी ते नज़र रखंदे पानी में, पूरा 3 मिंट उनका मथे ना होने, चंगी तरह पानी बॉयल थियो, पटाटा विधा, चिप्स विधा, फ्राइज बॉयल कया, 3 मिंट का फौरन कढ़ंदो तो थदो पानी, जो बर्फ जो पानी होंगे, जो असा थदो पानी पीने कूलर ठाई या बोतल फ्रिज में कढ़ी, अड़े पानी में पुसाए छो, फौरन विझंदो, 5 मिंट रहन दिजो, 5 मिंट का कढ़ी बे प्याले में फौरन विझणो, जो सादो पानी होंगे जो नल जो उनमें विझिजो, 5 मिंट तही, 10 मिंट टोटल थी सफ़ा थदा थी वा, टेम्परेचर जो किरी पो, उनका कढ़ी छाणी में रखो, छाणी में पानी निकली वे, कें कपड़े के मथा या ट्रे छाणी में फैलाजो, हवा में रखो कलाक ताई, बिल्कुल खुश्क थींदा। अब जब ये बिल्कुल आप देखेंगे ड्राई हो चुके हैं ना, इस तरह इसमें नमी ना हो, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी है, भूसा ले लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे, ठीक है, इसमें आपने क्या डालना है, इसमें आपने डालने हैं मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, एक और एक दो से ढाई, ढाई खाने के चम्मच जितना आपने डाल देना है कॉर्नफ्लोर, और उसके बाद आपने इसमें एक खाने का चम्मच डालना है चावल का आटा। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फैसल भाई से बात करनी है? मैं फैसल बात कर रहा हूँ, आप कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो सर, से बात कर रही हूँ जी, कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, बहुत चाट मसालो सिखा रहे हो असांखे, पोइ मुंहिंजी लाइफ सिखा न ॿुधी सघियासीं, त पोइ असांखे ॾियो त जेको असां
छाछी अधी वरी बुधाई जो क्या त मसालो सिखारे हो मसालो हां हां तो सारी लाइफ का नहीं मीने जिक्र सा कर न लिखी सके आसी न लिखी सके आसी ठीक है सब कर ले असा के वो न पर जो तो पसा ता सा रात तो पे ठीक है मां हाने नंबर बुधाए पे ता भी नोट करी वट जो ठीक है मैसेज कैसे जो मुके ठीक है 0314 267 5311 0314 267 5311 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है इस पे आप मुझे मैसेज कीजिए वॉइस मैसेज करें या मैसेज क्या करें कॉल ना क्या करें मैं उठाता नहीं हूँ वैसे कॉल ना बिल्कुल भी तो 0314 267 5311 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो इस पे आप मुझे कॉल कर सकते वॉइस मैसेज या मैसेज कर सकते इसका कलर देखें बिल्कुल यही आना चाहिए डार्क नहीं होना चाहिए ठीक है गहरो ना थियण खपे कलर बिल्कुल यही अचण खपे ऐं छाणी जे मथा रखंदो 0314 267 5311 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है ठीक है ये देखिए सारी चिकन होती जा रही 15-15 मिनट आपने इस तक पकड़ के रखना है छन्नी में अच्छी तरह इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए तो एक क्रिस्पी फ्राइड चिकन हमारी ज़बरदस्त तैयार हो गई है ठीक है अब ये दूसरे पीस डालते हैं फिर हम क्या करते हैं इसके बाद और ज़्यादा देर इसको बाहर नहीं रखना है क्योंकि ये इसमें नमी आएगी जब आपने ब्रोस बनाने ना इस तरह तो आप इसको फ्राई के लिए छोड़ दें फ्राई होना छोड़ दें अब हमने इसमें डाला है 2 खाने के चम्मच से 3 खाने 2.5 खाने के चम्मच या 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा 2 खाने के चम्मच ये है लहसुन का पाउडर आप डाल देंगी इसमें थोड़ा सा 1/4 टीस्पून ठीक है नमक 1/2 टीस्पून ठीक है और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे बस और मस्टर्ड पाउडर थोड़ा सा इस तरह 2-3 पिंच इसको उठाया और इस तरह आपने कोट करना है अंडा वंडा नहीं लगाना है ठीक है फिर इसको हाथ से नहीं करना है इस तरह आपने इसको कोटिंग करना है कॉल आया था हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ससुर भाई मैं आपदा मेरे पुकार से बात कर कैसी हैं ठीक हैं आप जी जी ठीक ठाक कह रही है बस हमारी लाइट अभी अभी आई है तो आपका प्रोग्राम चल रहा है अच्छा सॉरी मैं आपके रिप्लाई नहीं कर सका मैं बहुत ज्यादा बिजी था 2-3 दफा मैंने देखे थे व्हाट्सएप पे मैसेजेस मैं रिप्लाई नहीं कर सका आप समझेंगी पता नहीं क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे नहीं 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 कोई ऐसी बात नहीं है तो अभी लाइट आई है तो मैंने कहा थोड़ी फैसल भाई से बात कर लें तो आज फ्राइड चिकन बना रहे हैं आप जी फ्राइड चिकन अच्छा अच्छा सही ठीक 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 अच्छा फैसल भाई आपने एक रेसिपी बनाई थी रमजान शुरू होने से पहले वो काली मिर्च में सालन बनाया था आपने काली मिर्च में चिकन का सालन बनाया था ना जी 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 वो जो है ना मैंने रेसिपी से देखी थी मैंने लिखी नहीं थी जहन में मैंने कहा आ गई आसान है लेकिन वो मेरे जहन में नहीं आया मेरे हस्बैंड कह रहे मुझे बना के खिला तो अच्छा। मुझे आती नहीं है बनानी आ नहीं रही है मुझे चलें ठीक है शाम को मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा ठीक है जी जी और आपने व्हाइट बिरयानी बनाई थी वो मैंने कल रात को बनाई थी कल से अफ्तारी के बाद ठीक है इतनी मजेदार ससुर भाई आपने 1/2 किलो की बनाई थी मैंने 1 किलो में बनाई थी अच्छा चलें अच्छी बात है जी जी इतनी जबरदस्त बनी माशाल्लाह बहुत 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 ही अच्छी बनी बहुत देसी बिरयानी होती है आप ठीक है मेरी और भी फरमाइशें मीठी में फरमाइशें भी है वो भी पूरी कर देना आप कौन सी वो लबे शीरी है ना आपका या दूध जी जी दूध दिलानी मैंने आपको बस इंशाल्लाह अब ये कमिंग वीक में मीठे बनाना शुरू कर दूंगा खानों से हट जाएंगे अब मीठों पे आ जाएंगे काफी सारे मीठे हैं तो मैं कंटिन्यू उसी में बना दूंगा ठीक है बस नेक्स्ट वीक में अच्छा मैंने कल भी की थी कॉल वगैरह तकरीबन आपका प्रोग्राम एंड हो रहा था अच्छा उन्होंने कहा कि अभी फैसल भाई ने वाइंड अप कर दिया अभी बात नहीं करेंगे अच्छा तो इस तरह से कल मेरी लाइट 4 बजे आई थी तो मैंने की थी कॉल ना अच्छा 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 तो बस आपसे कल बात नहीं हो सकी लेकिन आज ट्राई कर रही थी काफी देर से मैं अच्छा अच्छा तो अभी आप जी जी चलिए अच्छी बात है अल्लाह का शुक्र है चलिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा ठीक है ओके अल्लाह ठीक है अब हम एक इसका बनाते हैं डिप सॉस ठीक है डिप सॉस जो हम बाहर जाके खाते हैं वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं ये मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ ये मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ जो मैं रेस्टोरेंट में जहाँ पे हूँ वहाँ ये बड़ी हमारी सीक्रेट होती है रेसिपीज़ ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये डिप सॉस आपको मिलेगा नहीं मार्केट में आप बड़े आउटलेट्स में जाके बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं जहाँ पे इसके लिए हमने लेना है यहाँ पे मायनीज 1/2 कप ठीक है ये ढाडो ज़बरदस्त डिप सॉस आए ढाडो मुश्किल सा मिले तो हर कंहिंखे मिले नथो ठीक आहे त हिम तव्हांखे ठाहिण सेखारियां पियो हिन में असां छा विझंदासीं 1/2 कप मायनीस ऐं हिन में 1 कप खां थोरी घटि 1/2 कप जेतिरी दही खणी वठिजो 1/2 कप मायनीस 1/2 कप दही ले ली ठीकु है 1/2 कप मायनीस 1/2 कप दही इसमें हम डालेंगे
चिली सॉस जो चाइनीज़ में हम डालते हैं, एक चाय का चम्मच, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे मस्टर्ड पाउडर हाफ टी स्पून जी, मस्टर्ड पाउडर आधा चाय जो चम्मचों, चिली सॉस एक चाय जो चम्मचों, मस्टर्ड पाउडर एक हाफ़ टी स्पून, चिली सॉस एक चाय का चम्मच, नमक एक दो तीन पिंच, ये है लहसुन का पाउडर, ये डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून, ठीक है। और इसको कर देंगे मिक्स अच्छी तरह। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बदीन से बात कर रही हूँ, फिजा अली बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई से रास्ता करवाएं? फैसल बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, आप अपने व्हाट्सएप नंबर रिपीट करें, मैं अभी रिपीट कराता हूँ, टीवी की तरफ जाएं, ठीक है? जी यार, थैंक यू, जल्दी करें। जी जी ठीक है, आप टीवी की तरफ जाएं, मैं रिपीट करा रहा हूँ। ओके जी, देखिए ये डिप सॉस एक हो गया हमारा, ठीक है। इसके साथ हम एक और बनाएंगे, ये बड़ा ज़बरदस्त है। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके मैं आपको ये डिप सॉस की रेसिपी दूसरी बनाना सिखाता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक तो होने का पहले सामू जेके फ्राइज़ में ठाया हुआ हिमा विजी शरण, ठीक है। फ्राइज़ जो मैंने बनाए थे वो मैंने डाल दिए। अच्छा, फ्राइज़ जब आप प्याले में होंगे ना, कोटिंग की हुई होगी, तो फिर उसको एक छन्नी में डालिएगा, छन्नी में डाल के उसको अच्छी तरह हिलाना ताकि एक्स्ट्रा जो इसका पाउडर है वो गिर जाए, उसके बाद डालना है। पूरा ऐसे डायरेक्ट नहीं डालिएगा, ठीक है। एक छन्नी में डालें, छन्नी को हिलाएंगी तो सारा पाउडर वो निकल जाएगा एक्स्ट्रा। फिर आपने फ्राइज़ डाल के मीडियम टू लो फ्लेम पे 7-8 मिनट में फ्राई करने, ज़बरदस्त क्रिस्पी आपके फ्राइज़ बनेंगे। और यहाँ पे हम एक दूसरा डिप सॉस बना रहे हैं, ठीक है। एक मैंने ये बता दिया, दूसरा डिप सॉस क्या है, बिल्कुल सिंपल। इसके लिए हमने लेना है यहाँ पे स्पून, ये ले लेते हैं, मायनीस आधा कप, ठीक है। ये दो डिप सॉस मैंने आपको सिखा दिए, मायनीस आधा कप, प्लेन केचप आधा कप, मायनीस आधा कप, प्लेन केचप आधा कप, ठीक है। ये बड़ी ज़बरदस्त डिप सॉस है। इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक क्वार्टर टी स्पून, ठीक है। उसके बाद लहसुन का पाउडर हाफ टी स्पून से थोड़ा कम, और उसके बाद मस्टर्ड पाउडर हाफ टी स्पून, बस ये डाल दी इसमें चीज़ें। और ये दो डिप सॉस हैं, ये बड़े स्पेशल डिप सॉस हैं, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। इसके साथ आप फ्राइड चिकन के साथ खाएं, आपको बड़े ज़बरदस्त लगेंगे, बिल्कुल डिफरेंट से डिप सॉस हैं, ठीक है। लहसुन के पाउडर से बड़ा फ्लेवर आता है ऐसी चीज़ें, अगर आपको शौक है बनाने का तो लहसुन का पाउडर आप लेके रखें, इजीली मिल जाता है लहसुन का पाउडर। अब ये सॉस भी हम एक बॉल में उतार लेंगे। ये दो डिप सॉस हैं हमारे फ्राइड चिकन के साथ खाने के लिए, ठीक है। फ्राइज़ हमारे हो रहे हैं तैयार, तो फ्राइज़ निकाल के हमने ये सारा निकाल लेना है। अब मैं सारा काउंटर क्लियर करता हूँ। बहुत इजी है सब चीज़ें बनाना, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका अभी कॉल आई थी ब्रेक में, तो जिनकी ख़ास फरमाइशी, उन्हीं की कॉल आज ब्रेक में आ गई, तो वो आपको मैं बता देता हूँ कि आपने जब मैदा लेना है यहाँ पे 2 कप जितना, ठीक है, 1 कप आपने कॉर्नफ्लोर ले लें, आधा कप आप चावल का आटा ले लें, उसमें पिसी हुई लाल मिर्च आप मिला दें 2 चाय के चम्मच, मस्टर्ड पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पाउडर मिला दें इसमें 1 चाय का चम्मच, और नमक 1 चाय का चम्मच, सब चीज़ें, और चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, ये मिला के मिक्स कर दें। पानी का एक बॉल रखें, चिकन को जो पीस आप मैरिनेट किए हुए थे उसको उठाया, मैदे में अच्छी तरह दबा दबा के रोल किया, फिर उसको उठा के झाड़ा अच्छी तरह, फिर पानी में डिप किया 30 सेकेंड के लिए, जब तक आप दूसरा पीस करें इसी तरह, फिर वो पीस निकाल के आपने दोबारा मैदे में डाला पानी से, फिर उसको अच्छी तरह 30 सेकेंड तक आपने दबाना घुमाते रहना मैदे के अंदर, फिर उसको पकड़ के अच्छी तरह झाड़ेंगी, जिंगर का लुक आना शुरू हो जाएगा, फिर आप उसको प्लेटर में रखते जाएं, इस तरह करते जाएं और डीप फ्राई करते रहें। ये हमारे हो गए फ्राइज़ भी तैयार, ज़बरदस्त से, ठीक है, क्रंची से बने हैं फ्राइज़। और फ्राइज़ को हम निकालते हैं एक प्लेटर में ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए, उसके बाद हम इसकी डिश आउट करते हैं सारी चीज़ें। और टिश्यू हमेशा वो यूज़ किया करें जो किचन टावल के लिए हम यूज़ करते हैं, बॉक्स वाले जो टिशू होते हैं ना वो ना यूज़ किया करें खानों में, ठीक है। बॉक्स वाला जो टिशू होता है वो खाते में इस्तेमाल ना करना, क्यों, इससे लाइट सी कोटिंग हो गई। अब जो ऑयल है इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें, सारा दिन छोड़ दें, रात तक फिर सहरी में जब आप उठें या दूसरे दिन फिर आपने जब यूज़ करना है अच्छी तरह इसको छान लें, ये थोड़े से हमारे ऑयल फ्री हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में काउंटर को क्लियर करके रोस्ट को हम रखते हैं प्लेटर में।
डिप सॉस, केचप प्लेन भी इसके साथ अगर रखना चाहती हैं ना तो तीसरी आपके पास डिप होगी केचप की। अब ये हमारे हो गए हैं फ्राइज, फ्राइड चिकन, क्रंची, ठीक है, कितनी ज़बरदस्त ठही है, तें सामू आ इन तरीके से ठाए जो अच्छी खासी है, एक किलो से ज़्यादा है, ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 किलो के करीब है ये। तो इस तरह आपने ये बनानी है, छन्नी पे जाली पे रखेंगी तो उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑयल जो है ये मैं आपको दिखा भी दूँ, ये देखें जब मैंने इसको ऑयल से निकाला तो ये देखें कितना इसमें ऑयल था, सारा निकल गया छन्नी पे रखने से। ये नहीं है स्ट्रेन आपके पास, आप छन्नी में डाल दें, ठीक है, ये देखें एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाता है, एक्स्ट्रा ऑयल जो कोई सब निकली भी दो। अब जो हमने फ्राइज़ बनाए थे, फ्राइज़ में चाट मसाला वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसी तरह फ्राइज़ इसके साथ सर्व करें, प्लेन अच्छे लगते हैं। सॉल्ट वगैरह सब इसमें डला हुआ है, ठीक है, बहुत गर्म है तो ये मैं थोड़े से इस तरह करके इनके ऊपर डालता जा रहा हूँ। ये हमारा ज़बरदस्त सा प्लेटर हो गया है तैयार, ठीक है, क्रंची बिल्कुल ज़बरदस्त सी चिकन, फ्राइड चिकन, और ये हमारा लेग पीस जो ख़ासकर अब कॉल आई थी इन्होंने लेग पीसेज में बनाना था तो आपने इस तरह बनाना है, और फिर मुझे कल जो जो बनाएं तो फिर बताते जाइएगा कैसी लगी, ठीक है, अच्छी सी क्रंची सी करके बनाना, चावल का आटा मिल जाता है हर जगह इजीली, कोई मुश्किल नहीं है। अब हमने एक ड्रिंक बनानी है, मशरूब मशिक रोज़ा, कल सुबह 12 बजे रिपीट चलेगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 03142675311, 03142675311, उस पर आपको तमाम रेसिपीज़ जो चाहिए होंगी वो मिल जाएंगी। यहाँ पे उठाते हैं ठंडा पानी, मुझे स्पून दे देख, बस ये हम क्लियर करते हैं, ठीक है, कल देखिएगा रिपीट में, कोई चीज़ समझ ना रही हो मैंने बार बार रिपीट कराई है। मशरूब मशरक रू अफ़ज़ा बेहतरीन शरबत है, ये आपने बनाना है, एक गिलास में 4 टेबल स्पून, 2, 3, 4, ठीक है, और एक बॉटल से आपके बनेंगे 40 गिलास। दूध में बनाएं, ठंडे पानी में बनाएं, फालूदा में बनाएं, जिस चीज़ में आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है, तमाम बेहतरीन शरबत आए मशरूब मशरक रू अफ़ज़ा, ये तव वी सगोता मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमारी होगी ड्रिंक कंप्लीट इसके साथ, और कल सुबह 12 बजे रिपीट चलेगा, ठीक है, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। कल हम बना रहे हैं देगी कोरमा, देगी कोरमे की थी फरमाइश, और जिनकी फरमाइश थी तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा देगी कोरमा, ठीक है, सुभाने देगी कोरमो ठाईंदासी जिनजी फरमाइश हुई, नोट करी वजो पो इंशाल्लाह कंटिन्यू रहंदासी, काफ़ी सारा खाधा है, मिठाई ईद की तैयारी है, बिरयानियों भी आना बाकी हैं। तो 03142675311 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कुकिंग विद फैसल यूट्यूब पे आप सर्च करें, आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी इस प्रोग्राम की पूरी, आप सब्सक्राइब करिएगा तो आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल जिनकी इस फरमाइश है देगी कोरमे की तो हम बनाएंगे देगी कोरमा, बीफ में, मटन में, चिकन में, सब तरीके से बना सकती हैं, साथ कुछ एक अच्छी सी रेसिपी और बनाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, सुभाणे 12 वगे रिपीट हलंदो सिंध टीवी HD कुकिंग शो या कुकिंग विद फैसल सर्च कंदो यूट्यूब ते तव्हांखे रेसिपी मिलंदी, मुझे व्हाट्सअप नंबर तव्हां वटि अची वियो ते कॉल के न कजो, मैसेज कजो, वॉइस मैसेज कजो, इंशाल्लाह सुभाणे देगी कोरमो ठाहींदासीं, पंहिंजो खोड़ सारो ख्यालु रखंदो, दुआ में रखंदो, अल्लाह हाफ़िज़। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो डिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।